बिहार की राजधानी पटना के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पटना की सड़कों पर जाम की समस्या आम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सड़कों पर ठेला लगना, दुकान लगाना या फिर वाहनों का सड़कों पर लगना, दुकान के सामने गाड़ी को लगाना, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार राजधानी पटना को लेकर एक बड़ा ही शानदार काम करने जा रही है। राजधानी पटना वासियों को बहुत ही जल्द स्मार्ट पार्किंग मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त 37 स्मार्ट पार्किंग स्थल राजधानी में बनने वाले हैं। बता दें कि इन पार्किंग को लेकर नगर निगम की तरफ से निजी एजेंसियों को यह ऑर्डर दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस पार्किंग को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि आप अपने घर बैठे बैठे ही बड़ी ही आसानी से पार्किंग को बुक कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब बस आप एक क्लिक से यह जान सकेंगे कि पटना में कहाँ कहाँ पार्किंग स्थल खाली है, वहाँ जाकर आप गाड़ी ही आसानी से पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग में कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट की सुविधा बहाल की गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में राजधानी पटना के 37 स्थलों पर स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 45 दिनों के अंदर राजधानी में आप पार्किंग स्थल खोल पाएंगे, जो कि पूरी तरह से आधुनिक सुविधा से युक्त होगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि पार्किंग की दर वही रहेगी जो कि पहले से लगती आई है। राजधानी पटना को जाम मुक्त करने के लिए स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था की गई है। प्रदेश में जिन पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है, वहां पर कई तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है, जिसमें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ CCTV कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से इसकी निगरानी की जाएगी। इस पार्किंग स्थल में आपको बूम बैरियर सेंसर ऐप द्वारा बुकिंग, लाइव ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, गाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाएगा, जैसे कि कौन से मॉडल की गाड़ी है, नंबर प्लेट जांच के लिए विशेष कैमरा, पोर्टेबल केबिन, ऑटो पे स्टेशन से लैस स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन सिस्टम तैयार किया गया है। एक सुविधा यह भी दिया गया है कि अगर आप प्रतिदिन वहाँ पे पार्किंग स्लॉट चाहते हैं तो ऐसे में आप वहाँ पर साप्ताहिक या फिर मासिक पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। राजधानी में कहां कहां मिलेगा स्मार्ट पार्किंग, इसके लिए जो है अभी वर्तमान में कुछ जगह निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। विद्युत भवन के सामने आपको मिलेगा स्मार्ट पार्किंग, BN कॉलेज, अशोक राजपथ, डाक बंगला, मारुति शोरूम के पास में, PSU और PHED कार्यालय के सामने, पुल निर्माण निगम कार्यालय के पास, कृष्णपुरी पार्क के पास, इको पार्क गेट नंबर 2 और 3 के सामने, सहदेव मेहता मार्ग में आपको मिलेगा, माउंट कार्मेल स्कूल के पास, मौर्यलो कॉम्प्लेक्स के पास, महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स के सामने, हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा के पास जो है आपको यह स्मार्ट पार्किंग सुविधा जो है वो मिलने वाला है। महावीर मंदिर के सामने आपको मिलेगा, ट्रक स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर 15 राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के सेंट्रल स्कूल तक जो है आपको पार्किंग स्थल मिलेगा, मुन्ना चौक से कुम्हरार टोली तक, SBI कंकड़बाग, टेम्पो स्टैंड कंकड़बाग, इन जगहों पे जो है फिलहाल स्मार्ट पार्किंग की सुविधा को लेकर जगहों का चिन्हित किया गया है। ऐसे में नगर निगम ने जो है प्राइवेट निजी संस्थान को स्मार्ट पार्किंग बनावे का टेंडर जो है वो दे दिया है। ऐसे में देखना है कि कितनी जल्दी प्रदेशवासियों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलने लगेगी या फिर जो है आप उसका लाभ लेने लगेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।